हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ और मैं ज्ञानचंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शटर का फ्रेम बना करके दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि किसी भी क्लाइंट का शटर जब आप लोग बनाते हैं तो उसकी नापी किस तरह से ली जाती है, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी, अन्यथा बाद में आप कमेंट करेंगे कि मुझे ये जानकारी नहीं दी गई। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जैसे शटर का जैसे एक फ्रेम बनाने जा रहा हूँ, मतलब शटर का साइडा जिसे बोला जाता है, कुछ लोग शटर की गाइड भी बोलते हैं इसे और कुछ लोग शटर की नारी भी बोलते हैं, तो दोस्तों उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बनाने से पहले मैं बता दूं कि जिस क्लाइंट का मैं जो है कि ये शटर का जो साइडा मतलब बनाने जा रहा हूं, उनका जो है कि हाइट पूरा मतलब 8 फीट है, मतलब कि 8 फीट का जिसे मुझे क्या बनाना है, साइडा बनाना है। तो दोस्तों, 8 फीट का साइडा बनाने से पहले अगर क्लाइंट कहें कि मेरा 8 फीट का साइडा बनाना है, तो दोस्तों याद रहे कि ये जैसे ये फर्मा काटने से पहले आपको ये जो शटर का कान होता है, जो होता है साइडा का कान, तो मतलब इसे पहले नाप लेवें, उसके बाद जो है कि इस साइडा को काटें। कहने का मतलब ये कि जो क्लाइंट मेरे थे उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मुझे 8 फीट का चाहिए, तो सबसे पहले जो है कि मैंने इसे काटने से पहले इसे नाप लिया कि ये कितना बड़ा है। तो दोस्तों, जब मैंने इसे नापा तो ये करीब करीब आपका देखिए 13 इंची के आसपास था, मतलब ये 13 इंची करेक्ट था। तो अब आप जरा सोचिए कि 1 फीट 1 इंची ये खुद ही हो गया है और क्लाइंट ने मुझे कहा है कि भैया मेरा 8 फीट का बनाना, तो अब जरा सोचिए कि वो कितना फीट का कटा होगा। तो दोस्तों, आपका क्या होगा, जैसे 8 फीट का है तो आपका जैसे कि 1 फीट घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 7 फीट, उसके बाद जैसे 1 इंची और घटा दीजिए, मतलब 6 फीट 11 इंची के आसपास जैसे कि आपका जैसे कि कटा है, मतलब कि वो जैसे फर्मा 6 फीट 11 इंची के आसपास कटा है, ताकि जो है कि दोस्तों जब हम इसे लगाएं, मतलब इसमें जब लगाएं तो ये जैसे कि लगाने के बाद कुछ आप तो जानते हैं दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से कान जोड़ा जाता है इसका, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों, यहां से वहां तक पूरी दूरी 8 फीट आ जाए। तो दोस्तों, अब जो है कि मान लीजिए आपने जो ये शटर का नारी है इसे आपने साइज का काट लिया और आपका ये जैसे साइडा का आपका ये कान हो गया। तो दोस्तों, इस कान में एक चीज और जोड़ा जाता है जिसमें पाइप फंसाया जाता है, वो होता है गाइड। तो दोस्तों, गाइड में ये कैसे बनाया जाता है और इसकी साइज क्या काटी जाती है, दोस्तों ये जो इसका मुड़ा हुआ ये हिस्सा है, इसे आप लोग या तो 4 इंची या तो 4.5 इंची का काटेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे, और इसकी जो चौड़ाई होगी दोस्तों, ये चौड़ाई करीब करीब आपका जैसे 3 इंची भी हो सकती है और 2.5 इंची भी हो सकती है, मतलब 2.5 से 3 इंची के बीच में आपका होना चाहिए। तो आपका 2.5 इंची या 3 इंची इस तरह से हो गया और 4 इंची चाहे 4.5 इंची आपका इस तरह से हो गया। तो दोस्तों, जब कान में वहां पर जोड़ा जाता है तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब इसकी बारी आती है जोड़ने के लिए इसको इसमें, तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों कि यहां से यहां तक मार्किंग मारा जाता है। देखिए, इस कोना से लेकर के यहां पर एकदम सीधा एक मार्किंग मारा जाता है और इस कोना से यहां तक एकदम सीधा मार्किंग मारा जाता है, और उसके बाद दोस्तों इसको कुछ इस प्रकार से लगा करके यहाँ पर जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये जैसे जोड़ने से पहले यहाँ पर एक होल भी मारा जाता है, आप जैसे 4 सूत का या 3 सूत का होल जैसे यहाँ मारेंगे नट बोल्ट फंसाने के लिए, ताकि जो बाद में पाइप जो इसमें हो तो यहाँ पर हो जाए, और यहाँ पर बीचों बीच आप जैसे होल मार सकते हैं, तो यहाँ पर होल मारने के बाद ही आप जैसे इसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जोड़ दिए तो आप वेल्डिंग से भी झाड़ सकते हैं बीचों बीच, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप होल मार लेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों रख करके जोड़ा जाता है। अब इस तरह से मार्किंग क्यों मारा जाता है दोस्तों, ताकि जो कि जब ये गाइड बैठाए जाए तो एकदम सटीक बीच में आकर के बैठ जाए, ताकि किसी भी प्रकार का बाद में जैसे दिक्कत ना हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये 13x13 का ये हो गया और इसके बाद जैसे कि 6 फीट 11 इंची का आपका ये हो गया। तो दोस्तों, अब जब जोड़ा जाता है तो अब देखिए, अब तो ये समझ में आ गया कि ये किस तरह से जोड़ा जाता है। अब दोस्तों, जब इसे जोड़ा जाता है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जैसे शटर का जब कान बनता है तो कुछ इसी प्रकार से इसमें जोड़ा जाता है, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहीं पर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, इसे जोड़ने से पहले, ठीक है ना, जोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप तो जानते हैं कि एक दाहिने का शटर होता है, एक बाएं का शटर होता है। तो अगर आप नए नए हैं और यदि आप नहीं जानते हैं इसे बनाना, तो आप क्या कीजिए कि इस दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख लीजिए। दोस्तों, ये देखिए, इसका इधर फेस इधर फेस, ये दोस्तों एक दूसरे का आमना सामना हो गया। अब दोस्तों, इस कान को जोड़ने से पहले जो है कि इस शटर के एक हिस्से को मोड़ करके उधर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, वो क्यों किया जाता है, ताकि जैसे कि शटर जब इस नारी में ऊपर से आकर के कान में फंसे या जाए तो यहाँ पर जैसे लड़े ना, अन्यथा अगर आप नहीं मारेंगे तो इसमें लड़ेगा। तो दोस्तों, वो किस तरह से मारा जाता है मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, देखिए इसे मैंने मार लिया। अब दोस्तों ये मारने का ये फायदा होगा कि जब शटर में से मान ली उधर से जब शटर आएगा तो मान लीजिए यहीं से यहीं तक चला जाएगा, और जब नीचे गिराना होगा तो यदि जब ये सीधा रहेगा तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें लड़ेगा और कहीं कहीं का आड़ने लगता है, लेकिन जब इस तरह रहेगा दोस्तों तो एकदम आराम से स्लिप होकर के इसमें जैसे आराम से चला जाएगा। तो दोस्तों इसे मोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसे दाहिने की ओर का दाहिने इस तरह से मोड़ा जाता है, और ये जो बाएं वाला होता है इस बाएं वाला का जैसे बाएं मोड़ा जाता है, मतलब इस बाएं वाला का अब ये वाला फेस मोड़ेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि इसका भी इधर से मोड़ दें और इसका भी इधर से मोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक का इधर से मोड़े, एक का इधर तक, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एक दाहिने का एक बाएं का होता है। तो चलिए ये मुड़ गया, इसी प्रकार से इसे भी मोड़ लेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए कि मतलब जैसे इसे किस तरह से जोड़ा जाएगा। तो मतलब दोस्तों यहीं पर मतलब ये मुड़ गया है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जोड़ने के बाद दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फिर क्या करना होता है। दोस्तों यहाँ पर जब जोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार से लेबल में लगा करके जोड़ा जाता है दोस्तों, यानी कि ध्यान रहे कि ये जैसे कोना, इधर का ये कोना एकदम बरोबर हो, इधर का ये कोना और इधर का ये फेस जैसे एकदम बरोबर हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये ऊबड़ खाबड़ कर दिए तो बाद में शटर जो होगा वो आएगा तो जैसे ऊपर नीचे लड़ने लगेगा। तो एकदम ध्यान से एकदम लेबल में लेकर के आप लोग जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद दोस्तों बगल में इधर से होलफास भी लगाया जाता है, होलफास भी लगाया जाता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि दोस्तों जब लास्ट में यहां पर दोस्तों जानते हैं कि नीचे लाख भी फंसाया जाता है, तो उसके लिए होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग जैसे कि लाख फंसाने के लिए बनाते हैं तो लाख को पहले ही काट दिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा भैया कि यहां पर हम लाख काटेंगे कैसे, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे नीचे से जो है कि 2 इंची छोड़ करके 2.5 इंची तक का काट दिया जाता है। मतलब मान लीजिए जैसे नीचे से 2 इंची नाप करके छोड़ दिए, मतलब ये हिस्सा, इसके बाद ये जो 2.5 इंची और ऊपर नाप करके मतलब ये वाला हिस्सा काट दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा भाई कि नीचे से जैसे हम 2 इंची छोड़ करके इसे 2.5 इंची का क्यों काटते हैं, मतलब कहीं ये उबड़ खाबड़ तो नहीं हो जाएगा ना। और मान लीजिए अगर हम इतना काट दिए तो क्या फिक्स है कि इसमें हो ही जाएगा, अगर मान लीजिए कि शटर का कहीं लाख ऊपर फंसने लगा या फिर नीचे फंसने लगा तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग पहले से काटे रहेंगे तो बाद में अगर ऊपर या नीचे पर फंसेगा ना तो आप लोग छेनी मार के थोड़ा बहुत जैसे कि अपना जैसे कि एडजस्ट कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों अगर आप नहीं काटे रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि बाद में जैसे कि मारने में काटने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे पहले ही काट लिया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आप लोगों को लाइव थोड़ा सा जैसे जोड़ कर भी फरमा दिखा देता हूं कि जैसे इसे जोड़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों एक और का हो गया, अब दूसरे और का भी जैसे वहां पर मैं जोड़ गया हूं। अब दोस्तों अब इसके बाद जैसे मैं देख रहा हूं कि ये सीधा है कि टेढ़ा है, दोस्तों जब ये टेढ़ा रहेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके सीधा भी करके टाक आ जाएगा। दोस्तों ये हल्का सा टेढ़ा था तो यहाँ पर देखिए मैं इसे सीधा करके अब यहाँ पर टाक रहा हूँ। दोस्तों इसका जैसे सब कुछ जैसे सही होना चाहिए, कान का जैसे सीधा होना चाहिए तभी जैसे कि ये अच्छे से काम करेगा। मतलब आप अपने जानते भर में जितने भी शुद्ध तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों, आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध काम आप कर सकें। दोस्तों जब ये हो जाता है तो अब बारी आती है पाइप को फंसाने वाली गाइड जोड़ने के बारे में, जो चंद्राकार गाइड होती है। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए मैं इसे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों बगल वाले में जोड़ लिया हूँ, अब यहाँ पर भी जोड़ रहा हूँ। और ये जोड़ने के बाद दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ शटर की नापी किस तरह से ली जाती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जैसे बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इत्मीनान से सभी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों जब ये जुड़ गया तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ होलफास जोड़ना। दोस्तों ये जो होलफास है वो आपकी 1 इंची की पट्टी की है जो कि 8 इंची कटी है, और उसे जेड आकार में मोड़ करके जो कि होलफास के तौर पर यहाँ पर जोड़ा जाता है, जो कि मैं जोड़ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है ग्रुप काटने की, नीचे से मतलब जो लाख फंसाया जाता है उसका ग्रुप, जो कि मैंने बताया था कि नीचे से 2 इंची छोड़ करके 2.5 इंची का काटा जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ग्राइंडर के माध्यम से जैसे मैं मार्किंग मार के अब उसे काट रहा हूँ ताकि जो है कि इसमें लाख जो है कि फंसाया जा सके। तो दोस्तों अब आप देखिए ये भी आपका जैसे कि कट गया, और थोड़ा सा मैं आपको उठा करके दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इसका ग्रुप कट गया और इसमें ही लाख फंसाया जाएगा।
तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि ये शटर का जो है कि दोनों साइडा बन के तैयार हो गया है, मतलब जो शटर का फ्रेम है वो जैसे पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ कि देखिए इस काम को हमने कैसे किया और लगे आए थे दोस्तों, मैं भी ये भी बता दूंगा कि जैसे किसी भी शटर का नापी कैसे लिया जाता है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने होल मार दिया है इसके अंदर ताकि जैसे पाइप फंस सके, जो इसमें पाइप डाली जाती है यहाँ से यहाँ तक जो डाली जाती है पाइप, तो मतलब ये जैसे इसमें फंस सके और इसमें जैसे फिर बाद में होल करके फंसाया जा सके और फिर बाद में स्प्रिंग स्प्रिंग फंसता है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बता रहा था कि जिससे शटर जब आता है तो दोस्तों इसी में आता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने मार करके इसे थोड़ा सा इधर कर दिया है ताकि जो शटर आए दोस्तों तो इसमें से आते हुए इसमें आराम से लपटा जाए और जब नीचे जाए तो दोस्तों अगर ये गाइड सीधा रहेगा तो उसमें टकराएगा, लेकिन जब ये इधर रहेगा तो आराम से एकदम इसी तरह से सरकता हुआ चला जाएगा, इसलिए दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये जैसे कि आपका ये जैसे दाहिने का या बाएं का जैसे ये आपका जैसे गाइड शटर जो है कि इसका तैयार हो गया है फ्रेम, और देखिए जगह जगह दोस्तों होल फांस भी लगाया गया है। और नीचे की बात करें तो नीचे दोस्तों देखिए इसका मुंह बांधने के लिए कि जैसे ये फैले ना, यहाँ पर भी एक पट्टी लगा दी गई है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए नीचे से 2 इंची छोड़ करके यहाँ पर हमने 2.5 इंची का जो है कि यहाँ पर जैसे कि गाइड काट दिया इसमें, ताकि जैसे कि शटर की जो लाख है मतलब इसमें आकर के फंस सके और बाद में अगर कोई दिक्कत हुआ तो फिर समझा जाएगा, पहले जो है कि जो नियम है उस हिसाब से मैंने कर दिया है। और ये देखिए ये जैसे कि पट्टी का ये जो 1 इंची का पट्टी होता है उसे मोड़ करके हमने जेड आकार का मोड़ करके जैसे यहाँ पर होल फांस लगाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और ऊपर का होल फांस दोस्तों तो देखिए यहाँ पर जो है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जाम करते हैं दोस्तों, ये बहुत गलत है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जाम करने के बाद जब शटर का जैसे कि जब साइडा जाम किया जाता है तो यहाँ पर होल फांस पाता ही नहीं है, तो होल फांस को जैसे कि यहाँ पर जाम करना चाहिए ताकि सीधे दीवार में आए और यहाँ पर पा सके और ये अच्छी तरह से हो सके। और यहाँ से देखिए दोस्तों शटर का जो साइडा है जो कि इसे एकदम फेस में फेस टू फेस लगा करके जोड़ा गया है, और यहाँ पर देखिए 1.25 इंच की पट्टी भी हमने जैसे कि मार दी है ताकि जो है कि ये जैसे कि दोनों पकड़ बना ले आपस में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है अगर आप नहीं भी मारेंगे तो चलेगा, लेकिन दोस्तों इसे मारने से जैसे इसकी ठोसाई बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो शटर का ये कान होता है उस पर ज्यादा लोड पड़ता है जब शटर वोटर जब घिंचाता है। तो दोस्तों ये देखिए साइडा को हमने थोड़ा सा उलट दिया है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ जो मिस हो गया था। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये जो है एक जैसे 1 इंची की पट्टी की गाइड लगी है, और यहाँ पर देखिए ये जो है कि करीब करीब 2.5 इंची के आसपास ये बाहर इधर निकली रहती है इसमें, और ये देखिए 2.5 इंची इधर, और दोस्तों ये जब जोड़ी जाती है पट्टी तो ये करीब करीब यहाँ से मतलब कि शटर का जो नारी होता है इसके यहाँ से करीब करीब 5-6 इंची पर जोड़ा जाता है, जो कि टेप से मैं अभी आपको नाप कर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 5 इंची और इस पट्टा 6 इंची, मतलब कि 5 इंची 6 इंची में मतलब ये रहता है। तो दोस्तों इसका काम क्या है कि ये जब शटर जिसे मान लीजिए आप लोग नीचे से ऊपर उठाते हैं तो जो बॉटम प्लेट रहता है ना, तो उसमें जैसे कि एक पट्टी उसमें भी जोड़ी जाती है तो आकर के इसमें जैसे कि टकराता है, तो मतलब ये यहीं पर रोक देता है। अगर ये नहीं लगाएंगे दोस्तों तो शटर का जो बॉटम प्लेट है वो क्या होगा कि इसके अंदर घुस जाएगा, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो इसे लगाना बहुत ही आवश्यक है, इसका आप लोग भी से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये पट्टी जैसे कि सामने की ओर लगाई जाती है, मतलब शटर का जो साइड है देखिए ये उस पट्टा है ना, ये मतलब उस पट्टा है तो ठीक उसके इधर मतलब आगे के फेस में मतलब ये लगता है ये और ये देखिए ये आपका हो गया। और दोस्तों ये जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक नाप करके लगाना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शटर का जो ये जो कान होता है वो जैसे कि 13 इंची की भी होता है, 14 इंची की होता है, जैसे 12 इंची की भी कुछ लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से डिपेंड होकर के लगाएंगे तो हो सकता है कि कम बेसी हो जाए, लेकिन दोस्तों चूंकि मैंने बता दिया कि जैसे कि यहाँ पर 5-6 इंची होना चाहिए, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि दोस्तों आप लोग यहीं से लगाएं, यहाँ से पूरा नाप करके न लगाएं, तो यहाँ से लगाएंगे तो आपको जैसे परफेक्ट ये दूरी जिससे कि मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक बार होल फांस के बारे में आप लोग को जैसे मैं चर्चा कर देता हूं। दोस्तों ये तो होल फांस तब के लिए है जबकि देवाल जैसे बगल से जाएगी, और दोस्तों जब साइडा जो है अगर देवाल के इस पटा से रहता है, मान लीजिए जैसे ये देवाल हो गया, तो अब जैसे कि एकदम ठीक लेवल में रहेगा, जैसे ये देवाल हो गया तो मान लीजिए इसको बीचों बीच जाम किया जाएगा, तब तो उसके लिए ये होल फांस है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि देवाल के मतलब जैसे ये दुआरी हो गई तो देवाल के बगल में यहाँ पर अगर साइडा जाम किया जाता है मतलब फेस में, मान लीजिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी जैसे द्वार हो गई दुकान की, तो अगर मान लीजिए अगर यहां पर अगर जाम किया जाता है तो उसके लिए दोस्तों होलफास जो है उसका होलफास जो है उधर से जाम किया जाता है, मतलब उसका होलफास तब इस पटा से जाम किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब चूंकि ये जो है अब ये होलफास इसलिए इधर से लगाया गया क्योंकि ये जैसे बीचों बीच यहां से इसमें जाम होगा, इसलिए दोस्तों यहां पर लगाया गया, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अब मैं बता देता हूं कि शटर की नापी किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले
पहले हाइट की बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि शटर कितने फीट ऊंचा है। तो दोस्तों जब भी शटर का नापी लिया जाता है तो यहाँ से टेप लगाया जाता है, मतलब जहां पर भी आपका जैसे साइडा जाम रहेगा तो यहाँ से टेप लगाते लगाते आप नीचे तक जाएंगे। मान लीजिए जहां पर आपकी कुर्सी में ये जाम रहेगी जहां पर, तो मान लीजिए उतना ही बड़ा रहेगा। अगर 7 फीट आएगा तो मान लेंगे कि 7 फीट का हो गया, अगर 8 फीट का आएगा तो मान लेंगे कि 8 फीट का आ गया। यानी कि ऊपर के कान के इस हिस्से से लेकर के ऊपर वाले कान के इस हिस्से से लेकर के एकदम नीचे तक कुर्सी तक नापा जाता है, तो आपका जैसे वो हाइट हो जाएगा। अब दोस्तों चौड़ाई की बात कर लें तो दोस्तों जब ये गाइड जाम रहता है तो जैसे कि जब नापा जाता है तो दोस्तों ये तो दीवार में चला जाता है, ये दीवार में रहता है और ये थोड़ा सा हल्का हल्का मतलब ये अगल बगल के साइड में रहता है। तो दोस्तों टेप इसके कोर से लगा करके इसके कोर तक नापते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर टेप घुसा करके नापते हैं, तो दोस्तों वो गलत है, उस तरह से कभी नहीं नापा जाता, इसके कोर से और इसके कोर से नापते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी अगर आपकी 6 फीट आ गई तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भैया इसके अंदर जो शटर पट्टी है वो कितनी बड़ी कटे दी। तो दोस्तों उसके लिए ध्यान देना होगा कि ये जो गाइड है वो गाइड कितनी इंची की है, 2.5 इंची की कि 3 इंची की। अगर 2.5 इंची की अगर गाइड रहेगी तो आप जैसे 4 इंची बढ़ा करके काटेंगे, कितना इंची, 4 इंची बढ़ा करके। अगर ये गाइड जैसे 3 इंची की रहेगी, क्योंकि 3 इंची की भी आती है और ये जो 3 इंची की है, तो अगर ये 3 इंची की है दोस्तों तो समझिए कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 इंची और बढ़ा देंगे, तब 5 इंची का जैसे कि हम लोग शटर पत्ती बढ़ा करके काटेंगे। अगर 2.5 इंची का रहेगा तो 4 इंची, अगर 3 इंची का रहेगा तो 5 इंची बढ़ा करके शटर पत्ती काटेंगे, ताकि जैसे इस नारी में जैसे शटर पत्ती आ सके और ऐसे ऐसे चल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सब बनाया जाता है और किस तरह से शटर की नापी ली जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने शटर का न सिर्फ फ्रेम बनाना बल्कि शटर की नापी लेना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत, नमस्कार।